मकर संक्रांति की सुबह से गंगा जमुना व जो लोग गंगा जमुना स्नान नहीं जा सकते थे उन लोगों ने घरों में स्नान कर भगवान की पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और गरीबों का दान पुण्य कर भंडारे बांटे। वहीं हिंदुस्तान के कुछ योगी संत महात्माओं ने हठ योग ठंडे पानी में 41 दिन कड़ी तपस्या की। 41 दिन पूर्ण होने पर भंडारे का आयोजन किया। इसी तरह हरियाणा के सोनीपत लक्ष्मण कॉलोनी बालाजी व भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज मंदिर योगी सुभाष नाथ महाराज ने 41 दिन 51 घड़ों के जल से तपस्या की और संपूर्ण होने पर भंडारे का आयोजन किया। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फंडर रोहतास सिंह योगी आपको लेकर आया सोनीपत। और आज मकर संक्रांति है और जिसको लेकर आज पूरे देश भर के अंदर मकर संक्रांति पर स्नान, सुबह का स्नान, गंगा स्नान, जमुना स्नान, सरस्वती स्नान और अपने घरों पर भी लोगों ने स्नान किया है। सबसे पहले क्योंकि सूर्य उदय से पहले स्नान बहुत ही महत्व देता है। आज का दिन पितृपक्ष के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसके साथ साथ आज के दिन दान करना भी बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। और इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे तो भंडारे, लंगर और खाने के अन्य सामग्रियाँ लोग आज वितरण करते हैं, वस्त्र वितरण करते हैं, दान दक्षिणा वितरण करते हैं, जिससे कि वो अपने पूर्वजों को या अपने आने वाले समय में वो भगवान से आशीर्वाद पा सकें और अपने धर्म को जिंदा भी रख सकें। तो आइए जानते हैं आज यहाँ सोनीपत के अंदर यहाँ भंडारा जो कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, सर्दी के अंदर ये श्रादीय स्नान होते हैं और इसके अंदर 1.25 महीने से यहाँ साधु संत तपस्या कर रहे हैं, जो जल की धार में बैठकर स्नान किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि उस ठिठुरती सर्दी के अंदर भी किस तरह से वो अपने आप को इस चीज़ के लिए तपा पाते हैं कि जहाँ आज हम एक वस्त्र के बगैर नहीं रह पाते, वो बिना वस्त्र के ही और वो भी जल की धार के बीच में बैठना, वो भी घंटों घंटों कैसे कर पाते हैं। चलिए जानते हैं, महाराज जी के पास है और जानते हैं महाराज जी का परिचय भी लेंगे और उसके साथ साथ में हम ये भी जानेंगे जो जो तपस्या की है इतनी कठिन तपस्या को कैसे कर पाए हैं, क्योंकि इस सर्दी के ठिठुरती सर्दी के बीच में हम बिना वस्त्र के नहीं रह सकते, लेकिन वो जल की धार के बीच में बैठना, जहाँ हमें गर्म जल में भी नहाना हमें थोड़ा हाँ लगता है कि हमें सर्दी लग जाएगी, लेकिन वो ठंडे पानी से किस तरह से वो क्या शक्ति मिल पाई उनको। महाराज जी पहले तो हमारे दर्शकों को थोड़ा परिचय दीजिए आप। महाराज जी ये कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है? लक्ष्मण कॉलोनी बालाजी मंदिर सोनीपत। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, दर्शक भी जानना चाहेंगे इस बात को कि वो शक्ति कौन सी आपके पास जो इस ठंड ठिठुरती सर्दी के बीच में भी आप उस जल की धार के बीच में बैठ पाते हैं। कितने दिन तपस्या की आपने? ये 41 दिन की तपस्या थी और 108 मटके की जलधारा थी। रात को पानी के मटके भरे जाते थे, सुबह वो पानी के मटके भजन द्वारा ऊपर उड़े ले जाते थे और ये गुरु गोरखनाथ की असीम कृपा के द्वारा ही हम यह भक्ति या 108 मटके की जलधारा कर रहे हैं। तो महाराज जी अगर बात की जाए जो यहाँ भक्त जो आते हैं, कहाँ कहाँ से भक्त आते हैं, क्या कुछ वो अपने दुख तकलीफ लेकर आते हैं, क्या के भी हैं, अदर स्टेट के भी हैं और दूर दूर से आते ही हैं, क्या कुछ कष्ट का निवारण ले पाते हैं वो यहाँ से? जो भी कोई भूत पिशाच से परेशान है या कई चीज़ घर की गृहस्थी खराब हो रही है उनको समझाने के लिए, तरीके बंद हर चीज़ गुरु मंत्र के लिए भी आते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए ज़्यादा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों? मेरा संदेश तो समाज को यही है कि आप आध्यात्मिक की तरफ ध्यान दें और समाज से जुड़ें, ना कि और अन्य जो चल रहे हैं डांसेस वगैरह इनकी चीज़ में ध्यान दें। अपना आध्यात्मिक भजन शब्द प्रभु परमात्मा के नाम से उसमें ध्यान दें और उसमें सबसे बढ़िया आसान तरीका है सुख में जीवन व्यतीत करने का। मैं सुतवी राणा। राणा जी कौन सी जगह से आए हैं आप? मैं मुखमेलपुर दिल्ली से आया हूं और ड्रीम सोशल कौशल विकास संगठन एनजीओ का मैं मुख्य संरक्षक हूं, जो नरेला में काफ़ी गरीब बच्चों को मतलब बहुत अच्छा कार्य कर रही है और अपना नाम कमा रही है। क्या कहेंगे आज जिस तरह के हमारे धर्म के प्रति जो आज उसको जिंदा रखने के लिए साधु संत इतनी तपस्या करते हैं,
ये हमारे देश की बहुत ही पुरानी एक संस्कृति और सभ्यता रही है साधु संतों की, और इसी के उस पर अनुसार ही चल के हम अपना जीवन यापन सुख में कर सकते हैं। आजकल के उसमें नहीं कर सकते, जो आजकल के डॉक्टर इधर उधर ही है, अंग्रेजी दवाइयों के हैं, ये है, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक जो शक्ति है हमारी संतों की, गुरुओं की, वो सबसे सर्वोपरि है और उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। उसी के भी यहाँ पे है, हमें पता लगे कि यहाँ भंडारा है और ये बहुत ही अच्छा कार्य है और ये भगवान उसका ये मंदिर है अपने बालाजी का, तो मुझे आके यहाँ बहुत खुशी हुई और ऐसे कार्यक्रम बहुत ही होते रहने चाहिए और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। दिल्ली के माजरा मोड़ बख्तारपुर गुरु गोरखनाथ मंदिर शनि महाराज मंदिर में महंत योगी अनिल नाथ जी ने 41 दिन यमुना में खड़ी तपस्या पूर्ण कर अब जल की धार की कड़ी तपस्या कर रहे हैं। मिलाते हैं गुरु जी हमारे बेटे को पार उतारते हैं, जिसको विश्वास है तो दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ बैठी हो आस लगा के बैठी हूं।